गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आगे वीडियो अपना कंटिन्यू करेंगे। हमारा वीडियो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 तक। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांतिकारी, है ना? तो क्रांतिकारियों के युग की बात हो रही है। तो एज कंजर्वेटिव राइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटली, जर्मन स्टेट, प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। इसका मतलब है कि जैसे जैसे जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी वो मजबूत होने लगीं और मजबूत होने की कोशिश करने लगीं, यूरोप के अनेक एरियाज में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज, ऑटोमन राज्य के जो सूबे होते हैं, सूबे मतलब जो उनके अंडर में एरिया आएंगे, आयरलैंड, पोलैंड, कुछ ऐसे ही क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का जहाँ वहाँ पे जो क्रांति हुई उनका जो लीडर था या उनका जो लीडरशिप किया गया वो मध्यम वर्गीय, वो कौन किया? मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोगों ने किया। जैसे प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स, क्लर्क और जो मिडिल क्लास व्यापार या मिडिल क्लास बिजनेस में लगे थे उन लोगों ने किया। पहला जो विद्रोह जो हुआ वो फ्रांस में हुआ 1830 में। वहाँ पे जो बर्बन किंग था जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में लाया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने हटा दिया। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया गया जिसकी अध्यक्षता लुई फिलिप ने की। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, मैटरनिक ने, देखिए है ना क्या टिप्पणी की थी, कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप में सर्दी जुकाम, यूरोप कैचेस कोल्ड, यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से, जुलाई रिवॉल्यूशन यानी जुलाई की जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ ब्रसेल्स में भी, उससे विद्रोह भड़क गया जिसके रिजल्ट से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से वो अलग हो गया। अच्छा, एक घटना जिसने पूरे यूरोप में शिक्षित जो वर्ग थे उनमें राष्ट्रीय भावना भरी वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी, देखिए लिखा है ना यहाँ पे 15th century, तो 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का जो है पार्ट था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानी का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यानी बाहर कर दिए, जिनको बाहर कर दिया गया था, यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति, है ना, प्राचीन यानी एंशियंट, देखिए ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट हु हैज सिंपैथिक फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर, यानी जो पुरानी ग्रीक सभ्यता थी उनके प्रति जो थोड़ा सहानुभूति रखते थे उनसे उनको हेल्प मिला। कवियों, पोएट्स एंड आर्टिस्ट यानी कवियों और कलाकारों ने यूनान को यानी ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए उनको एक साथ किया। अंग्रेज कवि यानी इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने क्या किया, फंड इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज फंड, उन्होंने धन इकट्ठा किया और फिर वो फाइट इन द वार, लेटर वेंट टू फाइट इन द वार यानी वो लड़ने भी गए। जहाँ 1824 में फीवर की वजह से यानी बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 को, है ना, ये जो ग्रीस था उसको जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। थैंक यू।